हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं बेबीज़ के क्लोथ से। बेबीज़ पहन के जाएंगे ये, और मैं पहन के जाऊंगी ब्लू कलर का ये ड्रेस, और आसिफ का भी ब्लू है। तो हमारी आज सारी फैमिली की मैचिंग है ब्लू ब्लू के साथ में। और अभी ड्रेस वगैरह तो हो गया, अभी शूज़ वगैरह दिखाती हूँ। आसिफ और मैं जो है वाइट पहन के जाएँगे, और बेबीज़ जो हैं वो वाइट एंड ब्लू पहनेंगे। ओके जी, सो हेयर और मेकअप जो है वो डन हो चुका है, और बेबीज़ को मैंने अभी तैयार करना है। बेबीज़ अभी खेल रहे हैं, और फ्लाइट में थोड़े टाइम रह गया है, सो जल्दी जल्दी तैयारी करते हैं, ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं, और फिर चलते हैं, लेट्स गो। ओके जनाब, तो मैं अब हो चुकी हूँ फुल रेडी। मेरी एयरपोर्ट लुक है कुछ इस तरह से, और अभी मैं तैयार करती हूँ फिर बेबीज़ को। ये बेबीज़ के क्लोथ और ये बेबीज़ के पापा के क्लोथ। ओके जी, तो मैंने बेबीज़ को रेडी कर दिया है, तो हमारी कुछ फाइनल लुक है इस तरह से। और बेबीज़ को पता चल गया कि हम जा रहे हैं कहीं, और आहिल जो है एज़ यूजुअल वो तंग करना स्टार्ट कर दिया है। होप सो कि हमारा सफ़र अच्छा रहे। छोटे बेबीज़ के साथ ट्रैवल करना आसान नहीं है, और क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं। बेबीज़ अच्छा फील नहीं कर रहे होते, कम्फर्टेबल फील नहीं कर रहे होते, इनके नींद का टाइम डिस्टर्ब होता है, इनके खाने का डिस्टर्ब होता है। तो होप सो कि हमारा सफ़र अच्छा रहे। तो अभी बस निकलने वाले हैं घर से, बेबीज़ को जो है वो उनकी सीट्स वगैरह में बिठा रहे हैं, उसके बाद में चलते हैं यहाँ से एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट पे हम लोगों को 3 आवर्स पहले एंट्री करनी होती है, और घर के पास में एयरपोर्ट है, तो ये सहूलत भी है कि बिल्कुल टाइम पे हम उधर जाते हैं। तो बेबीज़ जो हैं वो रास्ते में जाते जाते सो गए हैं, क्योंकि इनके सोने का टाइम हो रहा है, सुबह के आई थिंक 12 बज रहे हैं। तो हमारी फ़्लाइट जो होगी वो 3 बजे की होगी। तो आगे जो है एयरपोर्ट पर पहुँच चुके हैं, एयरपोर्ट पर जाते ही बेबीज़ जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और खेलना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जैसे ही फ़्लाइट उड़ने लगती है, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा तंग किया, बहुत ज़्यादा। अभी चलो सामान वगैरह जो है वो हम रख रहे हैं, और उसके बाद में जो सूरत हाल है वो मैं आपको बताती हूँ। बट अगर आपको कोई इमरजेंसी नहीं है, तो इतने छोटे बेबीज़ के साथ ट्रैवल ना करें, क्योंकि इंसान की अपनी नींद जो है और अपना सब कुछ है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बेबीज़ तो ऑब्वियसली होते ही होते हैं। तो क्योंकि पाकिस्तान में हमारा जाना था, क्योंकि एक शादी भी है, हम ईद भी इंशाल्लाह इधर पाकिस्तान में करेंगे। और क्योंकि जब ये 4 मंथ जब मैंने ट्रैवल किया था, जब ये 4 मंथ के थे, तब चूँकि गोद में रहते थे, इतना तंग नहीं करते थे। अब जैसे जैसे चलना स्टार्ट हो रहे हैं, और वैसे इनके मूड स्विंग्स भी आते हैं, नींद आ रही हो फिर रोने लग जाते हैं, तो हैंडल करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। बट फिर भी अगर हमने जाना है, जा रहे हैं हम लोग, तो इनको हैंडल तो करना पड़ेगा। ओवरऑल जो हमारा सफ़र है वो बहुत अच्छा रहा। किसी किसी जगह बेबीज़ ने बहुत ज़्यादा तंग किया, किसी किसी जगह शुक्र है फ़्लाइट के अंदर सो गए थे। जितनी बोलोनिया से लेकर दुबई तक की फ़्लाइट होती है वो होती है 6.5 घंटे की, तो उसमें जो बेबीज़ हैं शुक्र है सो गए। अच्छा, अभी हम जा रहे हैं अंदर, अपनी बोर्डिंग वगैरह क्लियर करवाते हैं, और फिर अंदर काफ़ी अच्छा बना हुआ है बोलोनिया का एयरपोर्ट भी, और आगे जहाँ पे हम दुबई में हमारी डेस्टिनेशन है पहले, वहाँ पे स्टे है हमारा 4 आवर का, तो उससे आगे फिर दुबई से लाहौर तक की फ़्लाइट है। तो मैं साथ बताऊँगी कि क्या कहाँ कहाँ पर कैसा कैसा एक्सपीरियंस था। बट अभी ये हमारी चेकिंग वगैरह हो रही है अभी एयरपोर्ट पर, और यहाँ पे अच्छा सबसे अच्छा लगता है जब आप एयरपोर्ट पे या कहीं पे भी जाते हो और लोग आपको पहचान लेते हैं और कहते हैं हम आपकी वीडियोस देखते हैं। हमें इस फ्लाइट में बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग मिले, जिन्होंने बोला कि हम आपको देखते हैं, पसंद करते हैं। सो उन सब का थैंक यू सो मच। अभी हम वेटिंग एरिया में हैं और अपने जहाज़ के उड़ने का वेट कर रहे हैं। ये हमारा जहाज़ नहीं है, तो अभी जो है वेटिंग एरिया में, यहाँ पे जो है स्टे तो नहीं होंगी, अभी जो हम वेट कर रहे हैं वो है 3 आवर का। और यहाँ पे जो आहिल है वो चल के सब लोगों के सामने जाके खड़ा हो रहा था और उनसे इंटरेक्ट कर रहा था, और साइम ने बिल्कुल नहीं किया तंग। साइम जो है वो फ़्लाइट तक ठीक रहा है, और थोड़ा सा रोया था बस। अच्छा, आगे जो है ये शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं, आप यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें वगैरह जो होती हैं शॉपिंग वगैरह आप कर सकते हो, ज्वेलरीज वगैरह के हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे अंदर शॉप्स हैं बोलोनिया एयरपोर्ट पे ये। और कि जब तक आप वेट कर रहे हो तब तक आप शॉपिंग वगैरह भी अपनी कर सकते हो, मेकअप वगैरह के भी हैं, सबके अपनी अपनी जो भी पसंद होती है, लोग यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं। अच्छा,
तो बेबीज़ जो हैं वो भी शॉप में घुस गए थे और वो भी चीज़ें देखने लग गए थे। अभी दो तीन चीज़ें गिराई इन्होंने, तो उधर से मैं फिर इनको इस साइड पे ले आई थी और यहाँ पे ये लोगों से काफ़ी इंटरेक्ट कर रहे थे और लोग भी खुश हो जा रहे थे। अच्छा जी, तो हमारा जहाज़ है ये आगे जहाँ पर हम जा रहे हैं अब। ओके जी, तो हम जाएंगे इसमें और इस यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें एक बस में आना होता है। और आहिल ने इतना ज़्यादा तंग करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उसमें ज़्यादा सारे लोग होते हैं और उसको ज़्यादा सारे लोगों की इनको आदत नहीं है देखने की इतने क्लोज, तो उसने बहुत ज़्यादा तंग किया बस में आते हुए जहाज़ तक। और फिर अब हम एंट्री करने वाले हैं बोलोनिया से दुबई तक की फ़्लाइट के लिए और उम्मीद तो है कि आगे का सफ़र अच्छा गुजरेगा। और अभी जो है खाने पीने का टाइम हो गया है, तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको के खाने में क्या था। अच्छा था ये भी, हमने चिकन वगैरह मंगवाया था और साथ में ये मीठे में था और साथ में चॉकलेट साल्टेड कैरमल दोलचे भी आई थी हमारे पास जो कि थी ये, और साथ में चॉकलेट्स थी। और बेबीज थैंक गॉड सो गए थे और तीनों सो गए थे फ़्लाइट के अंदर। जैसे यहाँ पे होता है ना सफ़र पे जाते हैं तो ये बेबी सो जाते हैं, लेकिन सफ़र में जाने से पहले जो इनको रोना आता है, पता नहीं किस चीज़ पे बच्चों को रोना आता है, वो उस तरह हैंडल करना इनको मुश्किल होता है। ये देखें तीनों जो हज हैं वो अंदर मज़े कर रहे हैं। तो जो बोलोनिया से दुबई तक की फ़्लाइट थी उसमें शुक्र करके हम पहुँच के और दुबई का नज़ारा मैं आपको दिखाती हूँ। दुबई पहुँच के दुबई की फ़ील ही अलग है। दुबई में नाइट व्यू इतना कोई खूबसूरत है, इतना ज़्यादा के पता चल जाता है दूर से कि दुबई हम पहुंच गए हैं। तो अभी हम दुबई में, हमारा स्टे है 4 आवर का, और तो वहाँ पे कुछ खाते पीते हैं क्योंकि जहाज़ का खाना आपको पता है बस थोड़ा सो ही होता है। तो हम पहुंच चुके हैं दुबई और दुबई में हम खाएंगे मे बी कोई KFC। पहले बेबीज़ की जो है वो करेलो वगैरह सेट कर लें बेबीज़ को बिठा के। यहाँ पर सोलो मिलती हैं बेबीज़ की, जो ये करेलो होती हैं पसुजीनो। अच्छा, तो आप जा रहे हैं यहाँ पर भी चेकिंग, इतनी जगह चेकिंग होती है, बार बार बेबीज़ को जब उठा के दोबारा से इनको बिठाना एक अजाब है। और अभी भी देखे बेबीज़ को सेट कर दिया, फिर कहेंगे चेकिंग होने वाली है, बेबीज़ को इससे उतारो, बेबीज़ की सीट चेक होएंगी, ये होगा वो होगा। अच्छा जी, तो 4 आवर जो हैं, आप यहाँ पे बहुत बड़ा है दुबई तो बहुत ज़्यादा, और बहुत खूबसूरत जगह भी है ये। आप यहाँ पे शॉपिंग हब है ये, यहाँ पे आप कुछ भी बाय कर सकते हो, सारे ब्रांड्स आपको मिलेंगे। इधर घूमते हुए आपको पता ही नहीं चलता, आप चलते रहो बस बिल्कुल ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। तो यहाँ पे, और यहाँ पे टाइम का पता भी नहीं चलता, जो 4 आवर्स होते हैं आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि कैसे आपके यहाँ टाइम गुजर गया। तो हम भी एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए या तो आपने वॉक करनी है तो आप वॉक भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे जो वो हैं गाड़ी वो भी चल रही होती हैं, आप उसमें बैठ के भी ट्रैवल कर सकते हो। बट हमने प्रेफर किया कि हम जो है वो वॉक करते हुए जाएंगे और चीज़ें देखते हुए जाएंगे। तो समटाइम हमारी जब फ़्लाइट होती है वो किसी और हिस्से में होती है, और कभी जो होती है मतलब अलग ही से में। दुबई का जो एयरपोर्ट है वो इतना बड़ा है, मुझे नहीं आज तक समझ आई कि मतलब कहाँ पे ख़त्म होता है। बहुत ज़्यादा अंदर बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत ज़्यादा, और अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं, आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें जो हैं वो बाय भी कर सकते हो, खाने पीने की भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम खाएँगे पियेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ आगे खाने पीने की जो भी स्टॉल्स वगैरह आते हैं, या फिर KFC है, मैक है, और फूड विलेज दुबई का है, और हम जो हैं वो KFC और थोड़ा सा देसी चिकन भी ट्राई करेंगे आज। और चलते हैं क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, क्योंकि हमने एयरपोर्ट पे जो है, एयरपोर्ट पे नहीं, हमने जो फ़्लाइट के दौरान है वो खाना इतना नहीं खाया। आसिफ ने तो खैर नहीं मंगवाया था क्योंकि बेबी सो रहा था, तो वो भी उसको गोद में लेके सो रहे थे, तो फिर उस वजह से उन्होंने खाना नहीं खाया। तो अभी हम खाएंगे खाना। और भी यहाँ पे ये चाइनीज़ बेबीज़ को देख के इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे और खुश हो रहे थे कि ये ट्रिपलेट्स हैं, और क्योंकि सेम ड्रेस पहने हुए हैं तो सभी देखे काफ़ी खुश होते हैं। अच्छा, ये एरिया बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे जो शॉप्स हैं ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और वॉचेस की हैं यहाँ पे, परफ्यूम्स की हैं, मेकअप की है, और आगे ये मैक के मेकअप की हैं, और आगे काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉप्स वगैरह हैं। इसी बहाने, मेरे ब्लॉग के बहाने, आप थोड़ा दुबई भी घूम लो।
ताकि आप जब जाओ तो आपको ऑलरेडी पता हो कि वहाँ ये चीज़ें हैं। मैंने कोशिश की है व्लॉग में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐड करने की ताकि आप लोग भी इंजॉय कर सको मेरे साथ साथ। ओके, तो अपनी शक्लें भी दिखा सक देती हूँ मैं कब से अपनी सारी शॉप्स वगैरह दिखा रही हूँ। तो ये हूँ मैं, ये हैं मेरे मियाँ जी, ये हैं हमारे बेबीज़, और हम जो हैं कब से कंटिन्यूसली हम तकरीबन 30 to 35 मिनट्स ऐसे ही वॉक करते रहे। उसके बाद जो है वो हम खाने पीने की जगह पर जाएंगे। और ये देखें प्यारे इन्होंने खजूर के दरख्त लगाए हुए हैं पीछे, जो कि असली नहीं है, वैसे नकली हैं, ऐसे डेकोरेशन के तौर पे लगाए हुए हैं। और ये आगे दुबई के हम सेकंड फ्लोर पे हैं और नौ थर्ड फ्लोर पे हैं, और ये नीचे से दुबई वालों को पता होगा फेमस ट्री जो है। और अब हम जा रहे हैं खाने पीने। अच्छा, बेबीज़ को भी जो है वो भूख लगी हुई है। बेबीज़ को मैं थोड़ा सा देती रही हूँ, चॉकलेट्स भी खाए इन्होंने वहाँ पे, पाना भी थी और साथ में बटर वगैरह थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाया, लेकिन दूध ज़्यादा पिया इन्होंने फ़्लाइट में, ज़्यादा कुछ खाया नहीं। तो अभी हमारे साथ ही खाएँगे। और बेबीज़ को यहाँ पर दुबई में गर्मी भी थी बहुत ज़्यादा, और क्योंकि एयरपोर्ट पे तो चलो एसी लगे थे लेकिन बेबीज़ को फिर भी गर्मी लग रही थी, तो मैंने ऊपर की शर्ट्स इनकी उतार दी थी। और यहाँ पे मैं इनके ड्रेस वगैरह भी चेंज कर दूँगी। अच्छा, अब हम जा रहे हैं दुबई से लाहौर के जहाज़ में बैठने के लिए, और वहाँ खाना हमारा ये था, और ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। फ्रूट्स मतलब फ्रेश थे तो ठीक था, अच्छा था, बाकी बस अच्छा नहीं था। और ओके जी, तो फाइनली हमारा सफ़र होने वाला है ख़त्म, और क्योंकि हमारा पूरा दिन सफ़र में गुजर गया, रात भी पूरी सफ़र में गुजर गई, और अब सुबह के बज रहे हैं 9 पाकिस्तान में, और हम सुबह सुबह पहुंच चुके हैं पाकिस्तान फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह। खैर खैरियत से सफ़र गुजर गया, बेबीज़ जो हैं वो जाग चुके हैं, और पाकिस्तान में उतरने की खुशी अपनी होती है जब आप लैंड कर रहे होते हो और जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे होते हो, और एक ऐसी अजीब सी अच्छी फीलिंग आ रही होती है अपने पाकिस्तान में, और गर्मी की भी फील आ रही होती है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी है। बट चलो इन्जॉय करेंगे और देखेंगे आगे पाकिस्तान में क्या क्या करते हैं, साथ साथ आपको भी दिखाते रहेंगे। और चलें, मेरा ब्लॉग होता है अब यहीं तक ख़त्म, क्योंकि हम अब जा रहे हैं घर, और घर जाके बेबीज़ को ईजी करते हैं, क्योंकि बेबीज़ ने जो क्लोथ्स हैं वो थोड़े से विंटर के हिसाब से पहने हुए हैं, एयरपोर्ट के हिसाब से पहने हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है एसी वगैरह था। अब चलते हैं घर और बेबीज़ को ज़रा ईजी शीजी करते हैं, और फिर अगली जो चीज़ है वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी आपको। होप्स हो कि आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ बेबीज़ जो हैं वो अपने शॉर्ट्स में आ चुके हैं और मस्त होके सो रहे हैं, और इनको सोने देते हैं। और मैं आपको कहती हूँ यहीं पे अल्लाह हाफिज़। होप्स हो कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और फिर मिलेंगे फिर किसी और ब्लॉग के साथ इंशाल्लाह। पाकिस्तान में करने के लिए बहुत कुछ है, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी और ट्रिपलेट्स को भी। और बाय बाय।